रुख लखनऊ का करते हैं, जहां पर कोरोना के चलते टीईटी का आयोजन नहीं होगा। टीईटी में 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होते हैं। 2 महीने पहले परीक्षा का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन टीईटी कराने के लिए 3 महीने का समय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अब फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि टीईटी का जो आयोजन है वो नहीं हो पाएगा कोरोना के चलते। 2 महीने पहले परीक्षा का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो कि इस टीईटी में शामिल होते हैं, लेकिन इसको पूरा अरेंज करने में, आयोजन करने में जो वक्त लगता है वो 3 महीने का लगता है, लेकिन 2 महीने पहले ही इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें वक्त की देरी के चलते शायद कहीं ना कहीं ये आयोजन अब फिलहाल नहीं हो पाएगा। और संदीप फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या वक्त की कमी हुई है? अगर वक्त पूरा मिलता तो शायद इसका आयोजन हो पाता। बिल्कुल रितु, आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि वक्त की कमी के साथ साथ जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, तमाम तरह की गाइडलाइन फॉलो करने की बात करी गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे मेन जो है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। क्योंकि देखिए, जिस तरह की ये परीक्षा होती है इसमें 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं, और अगर वो सेंटर पर पहुंचते हैं तो संक्रमण की जो आशंका है कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ना ही मेडिकल चेकअप हो सकता है ना ही थर्मल स्कैनिंग हो सकती है, जिसको देखते हुए फिलहाल शासन ने कहा है कि वो टीईटी परीक्षाओं को नहीं कराएगा। ऐसे में देखिए, अगर आपको बता दें कि अगर ये परीक्षाओं की हम बात करते हैं तो इसमें दूर दूर से, बाहर बाहर से लोग आते हैं, छात्र आते हैं, छात्राएं आती हैं, और उस दौरान अगर बात करी जाए सोशल डिस्टेंसिंग की तो उसको फॉलो नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में इस परीक्षा को नहीं कराया जा रहा है। और एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि टीईटी कराने के लिए 3 महीने का समय जो है वो होना चाहिए, तमाम तरह की तैयारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी का काल चल रहा है उसमें फिलहाल इसको नहीं कराने का निर्णय लिया गया है, और कहा गया है कि इस बार जो 2020 में टीईटी का जो आयोजन है उसको नहीं किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।